Dear students, Namaskar. In our previous lecture, we have talked about sentence and its kinds, whose link is given in our description box. Today, we shall talk about parts of a sentence. Parts of a sentence. A sentence has two parts. Number one, subject part. Number two, predicate part. In this way, let us see sentence subject and predicate. सब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य. प्रेडिकेट का अर्थ है विधेय. इस प्रकार से हमने देखा सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं. नंबर वन सब्जेक्ट पार्ट और नंबर टू प्रेडिकेट पार्ट. अब हमको जानना है कि सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है. सब्जेक्ट या पार्ट किसी भी सेंटेंस का एक वह भाग होता है जिसके विषय में हम कुछ बताते हैं. जैसे हमने कह दिया मोहन गोज टू कानपुर. नंबर टू सम बॉयज हेल्प द नीडी मैन. अब यहां पर हमने देखा कि दो सेंटेंस हैं, मोहन गोज टू कानपुर एंड सेकेंड सेंटेंस इज सम बॉयज हेल्प द नीडी बॉय, नीडी मैन. यहां पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि यहां पर हमने इस नाउन के विषय में नाउन बताया और इसमें सम बॉयज ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है क्योंकि हमने यहां पर इसके विषय में. अब इसके इन दोनों सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी बात हमने कही, विषय में जो कुछ भी हमने बोला, वो ही हमारा प्रेडिकेट पार्ट होगा. बिल्कुल माइनर सी बात समझने की है कि जब हमने मोहन के विषय में क्या कहा, मैंने मोहन के विषय में कहा गोज टू कानपुर अर्थात कानपुर जाता है. अर्थात यदि हम प्रश्न करें कौन कानपुर जाता है तो उत्तर मिलेगा मोहन कानपुर जाता है. इसी प्रकार से मैंने सेकेंड सेंटेंस लिखा सम बॉयज हेल्प द नीडी मैन, कुछ लड़के एक जरूरतमंद आदमी की मदद करते हैं. हमने प्रश्न किया कौन जरूरतमंद आदमी की मदद करता है, जरूरतमंद आदमी की मदद कौन करता है, तो हमारे सामने उत्तर आया कुछ लड़के सम बॉयज. अर्थात सम बॉयज हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. इस प्रकार से हमने देखा कि मोहन हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, सम बॉयज हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. तो इस प्रकार से हम कुछ और उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनके द्वारा आपको ये चिन्हित करना है, आपको जानना है कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है. सम मोर एग्जाम्पल्स. नंबर वन अ गुड बॉय
ओबेज हिज एल्डर्स. नंबर टू, द ऑनेस्ट मैन नेवर स्टील्स. अब तीसरा एग्जाम्पल भी हम आपको दे रहे हैं. देखिए ये हमारे सामने दो एग्जाम्पल आए, तीसरा एग्जाम्पल थोड़ा हम इससे लेंथी लेते हैं. और तीसरा हमारा एग्जाम्पल हुआ द बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज कोयल. नंबर फोर पर हमने लिखा सीइंग इज बिलीविंग. इस प्रकार से हमने देखा अ गुड बॉय. अ गुड बॉय हमारा सब्जेक्ट पार्ट है क्योंकि हमने यहां पर इसके विषय में बात की. और इसके विषय में हमने क्या कहा, इसके विषय में हमने कहा कि अपने बड़ों का कहना मानता है. अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि यदि हम आपसे प्रश्न करें कौन अपने बड़ों का कहना मानता है, तो बिना झिझक के बिना हेजिटेशन के आप एक ही बात का उत्तर देंगे, एक अच्छा लड़का. जैसे एक अच्छा लड़का आया, यही हमारा सब्जेक्ट है, यही हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. इसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस में मैंने लिखा द ऑनेस्ट मैन नेवर स्टील्स. तो यहां पर कौन चोरी नहीं कभी नहीं चोरी करता है, तो उत्तर मिलेगा द ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी. ईमानदार आदमी कभी भी चोरी नहीं करता है, अर्थात ईमानदार आदमी हमारा जो है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया द बर्ड सिटिंग इन द ट्री इज कोयल. पुनः ध्यान दीजिए, द बर्ड सिटिंग इन द ट्री, पेड़ में बैठी हुई, पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया इज कोयल. कोयल है, कोयल क्या है, कोयल कौन है, तो कहेंगे वह चिड़िया जो पेड़ पर बैठी है वो ही कोयल है. यानी द बर्ड सिटिंग इन द ट्री यही हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. मैंने फोर्थ एग्जाम्पल दिया सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास करना है. आप जरा विचार करें, मैंने यहाँ पर सीइंग लिख दिया. सीइंग हमारा सब्जेक्ट पार्ट है. और क्यों सब्जेक्ट पार्ट है सीइंग? सीइंग हमारा क्या है? सीइंग हमारा जीरंड है. अब जरा आप विचार करेंगे कि जीरंड क्या होता है. जीरंड का मतलब होता है यदि हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लेकर के उसमें आईएनजी जोड़ दें तो वो हमारा जीरंड बन जाता है. और यहां पर यही जीरंड हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का है, इसीलिए हम कहेंगे सीइंग इज बिलीविंग में सीइंग हमारा सब्जेक्ट है. इसी प्रकार से यदि हम एक एग्जाम्पल आपको और देना चाहेंगे, एग्जाम्पल नंबर फाइव, टू सी इज टू बिलीव. यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है टू सी. अब टू सी हमारा सब्जेक्ट क्यों है या टू सी हमारा क्या है, तो हमको ये ग्रामर के बेस पर हमको ये जानना पड़ेगा कि टू ये हमारा सी वर्ब है. टू हमारा सी वर्ब है, लेकिन जब हमने सी से पहले टू प्रीपोजिशन जोड़ दिया, तो जब हम किसी वर्ब से पहले टू जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में वह इन्फिनिटिव बन जाता है. और वह इन्फिनिटिव यहां पर
सब्जेक्ट का कार्य करने लगता है, अर्थात यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है। इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, नंबर वन सब्जेक्ट पार्ट, नंबर टू प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में हमने सब्जेक्ट के विषय में बताया और प्रेडिकेट पार्ट में मैंने वो सारी बात बताई जो उस सब्जेक्ट के विषय में, जो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है, जो सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य हो रहा है, वो सब कुछ हम प्रेडिकेट पार्ट में जानते हैं। इस प्रकार से हमने आज आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट का जो सामान्य सी बात थी वो मैंने पूरी की। कल आने वाले समय में हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट की बृहद व्याख्या अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करेंगे।